वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समयुक्तं बिंदावनम मनोहर वांछाकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवं बिंदा वै तुलसीदेव वै पिया वै केशवश्च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वई नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्भरण धैयम सदा परिभवग्न भविष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंजनुतम शरण्यम वीरतातिहम प्रणोतपाल भवद्दीपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंद यत्पादपल्लवनकचंदमनि छटाय विस्फुरजित किमपि उपवदुषु अदर्श पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिकामयी कदा कृपां करोषि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अजानुलंबित भुजो कनकाबुदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणाभुतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नराणाम् गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषी तपाम भागम नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीपुरपति भजभीषनाथम बागीशजुषु वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम नमामि गंगे तव पाद पंकजं
सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषी त्वभामभागम् नारायणो प्रियमनंगो मदापहारं वाराणसीपुरपति भजभीषनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आश्चर्यमेताद् हि मनो सलोके शूधां परित्यज्य विषं पिबन्ति नमानि नारायण गोचराणि त्यक्त्यान्वाच कुहका पठन्ति। आश्चर्यमेतद् हि मनो सलोके शूधां परित्यज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि त्यक्तान्वाच कुहका पठन्ति। गौरी गोष्ठीपति शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, जड़ जगत का जितना सारे मंगल लाभ का रास्ता है बोलकर आप लोगों को लगता है, एक भी मंगल का रास्ता नहीं, एक भी मंगल का रास्ता नहीं। पापा जी ने बताया दिल्ली का, दिल्ली में एक नौजवान व्यक्ति पापा को बताए, Why you are speaking that Gauriya Math is the only way? क्या दूसरा रास्ता नहीं है? पापा जी ने बताया, देखिए जो लोगों को भगवान स्वयं अपना पार्षदों को सेवा करने के लिए, अपना सेवा करने के लिए, कराने के लिए भेजा, अपना अंतरंग पार्षद लोग, इन लोगों को छोड़कर आपका दूसरा रास्ता कहाँ है? वो लोग तो गौरी मठ में है। उत्तर दिया, क्योंकि गौरी मठ का मकसद क्या है? बद्ध जीवों का जो बंधन है इसको छुड़ाकर चैतन्य महाप्रभु का चरण में पहुंचा देने का इतना बड़ा परोपकार ये गौरी मठ छोड़ के कोई नहीं कर सकता। जड़ जगत में अपना मंगल बोल के, जड़ जगत में जो सब मंगल का रास्ताएँ, जड़ जगत में जो सब मंगल की रास्ताएँ हैं, एक भी मंगल का रास्ता नहीं है, एक भी मंगल का रास्ता नहीं है, क्योंकि एक भी भगवत सेवा का रास्ता नहीं है। सब अपना सेवा लेने का रास्ता, सब अपना सेवा लेने के, भगवान को कोई नहीं चाहता है, भगवान को कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, भगवान से चाहता है, भगवान को नहीं चाहता है, भगवान से चाहता है, हमको ये दो वो दो, नंगापन समाप्त तो नहीं होता है, भगवान से चाहता है, भगवान को नहीं चाहता है। तो एक भी भगवत सेवा का रास्ता नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं हम भक्तों लोगों से ज्यादा समझदार है, होशियार है, ये जो विचार है ये नरक में जाने का रास्ता, ये नरक में जाने का रास्ता। गुरुजी को खोद बोलते सुने हैं, किसी ने अपना अपना विचार बता के गुरुजी के सामने उसको अप्रूवल, उसका अप्रूवल कराने के लिए बोलते थे, गुरुजी ये कर रहे हैं ठीक है ना,
गुरुजी गुस्से में आके बोलते थे, गुरु का ऊपर गुरुगिरी कर रहे हो, गुरु रूप गुरुगिरी, गुरु का ऊपर गुरुगिरी कर रहे हो, ऐसा ये हम लोगों का स्वभाव है। गुरुदेव वैष्णवों से हम ज्यादा समझदार है, होशियार है। ये जो विचार है, ये विचार केवल नरक के नरक में जाने का रास्ता। तमाम तर्कों का पंथा, सब पत्ता में लॉजिक है ना, क्यों जाएं, कैसे करें, क्यों करें, ये सब जो विचार है, ये सारे तर्क का रास्ता है। ये सारे रास्ते में अमंगल ही अमंगल। एकमात्र एक रास्ता खुला हुआ है, महाजनो जेनो गतो सपंथा। महाजन महाजनों ने जिस रास्ता दिखाया है उसी रास्ता में चलते हुए आगे बढ़ो, ठीक है, वो ठीक है। चौथ पंथा, भगवत भक्तों का अनुगमन अनुकरण नहीं है, अनुकरण नहीं है, निषिद्ध है, सख्त माना है। अनुकरण नहीं, अनुकरण नहीं, अनुगमन। भगवत भक्तों का अनुकरण करने से, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते हैं, वैष्णवों का अनुकरण करने से जल के खाक हो जाओगे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कहते थे, अगर अनुकरण करने जाओ वैष्णवों का तो आप जल के खाक हो जाओगे। वैष्णवों का किसी चीज को हड़पने जाओगे तो भयंकर अमंगल हो जाएगा, भयंकर। जड़ जगत का किसी चोर बदमाश का कदापि मंगल हो सकता है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बताया, इसका कभी मंगल खुलता नहीं, बहुत भयंकर। तो ये सब पद जो है सारे अमंगल का रास्ते हैं, और भगवत भक्त का अनुगमन अनुगत्य ये मंगलमय रास्ता है, अनुगत्यमय रास्ता। चौथ पंथ ये सबसे बड़ा मंगलदायक है। आज नहीं तो काल हम पहुंचेंगे, पहुंचेंगे ये पक्का है। हम लोगों का जितना भी पर्सनल दिक्कतें हो रहे हैं, अरे गुरु वैष्णव का सामने से रहने से बहुत कठिन है, और रहा नहीं जाए, इसका खान पीन उठना बैठना इतना कठिन है, वो हमको बचना मुश्किल है, ऐसा अगर कहीं कहे तो मतलब इसका अनुगत्व नहीं है, अनुगत्व नहीं है। जितना ही मुश्किल हो ना, क्यों जितना ही असुविधा हो, हम लोगों का एक ही प्रेयर है, प्रार्थना है, ये भगवान जन्म जन्म ऐसा व्यवस्था करो भगवत भक्तों का अनुगमन कर सके, यही तो प्रार्थना है ना। सबको ही कही देगी है, सबको ही एक ही प्रार्थना है भक्तों लोगों का। संसार चक्र भमतहा सकर्म भी है, संसार चक्र में अपना कर्म फल के अनुसार भ्रमण करे, आपका भक्तों का संग बन जाए ठाकुर जी, ये इतना कृपा करो। आपका भक्तों का संग हो जाए, भक्तों में ठाकुर यही प्रार्थना, सबको एक ही प्रार्थना है भक्त संग। हम लोग का जितना ही समस्या होना, क्यों हम लोग का यही प्रार्थना है जन्म जन्म, भगवत भक्तो कृपा करी संग लहो यही आकिंचन। श्री तीर्थ महाराज जी गाते थे कीर्तन भक्ति में ठाकुर, कृपा करी संग लहो यही आकिंचन, हम लोग को संग ले चलो, हम तो जा नहीं सकेंगे ना, आप संग ले चलो। आपका साथ रहते हुए हर वक्त हरि कीर्तन हरि कथा सुनने को मिलता है। शतांग प्रसंग्यात मबीर्ज संविद भवन तीर्थ कर्ण रसायन कथा ये सब हैं, तज्योषनाथ आशु अपवर्ग वत्नी हैं श्रद्धा भक्ति रति रणुक्रमिष्यति साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जीनी तिहार कोनो वस्तु नाय,
কৃষ্ণ ভক্তের জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ, ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্ত, তামাম দুনিয়া কা বিচার। বিনু সৎসঙ্গ লবই না তরাই না কই, রাম কে পাবিন সুলভন সই, বহু সারে জগতি সঙ্গতি সঙ্গতি কি এ জগতি সজ্জন সঙ্গতি রেখা ভবতী ভবর্ণব তরণে নৌকা, কিতনা সারে প্রমাণ, কিতনা সারে প্রমাণ। সব প্রার্থনা ইয়ে হ্যাঁ ভক্ত কাজ সঙ্গ মে রে কো মিলে, এই প্রার্থনা ব্রহ্মাজি নে ভি কিয়া হ্যায়, লোক পিতামহ ব্রহ্মাজি নে তো এই প্রার্থনা কিয়া হ্যায়। হ্যাঁ জ্ঞানে প্রয়াস মদপস্য নমন্তি এব জীবন্তি সন্মুখ রীতম ভবদীয় বর্তাম সনস্থিতা সুতিগতাম তনুভাং মনোভীর যে প্রয়াস অজিত জিত পিয়সী স্তয় স্ত্রীলোক্যাম সত। হ্যাঁ ক্যা জ্ঞানে প্রয়াস মদপস্য নমন্তি এব জীবন্তি সন্মুখ রীতম ভবদীয় বর্তাম, হাম আপনা যে অহংকার হ্যায় হর হালত মে ফেঁক দেঙ্গে, হাম ফেঁক দেঙ্গে ঠাকুর জি হাম ফেঁক দেঙ্গে। জ্ঞানে প্রয়াস মুদপাশ্য বহু দূর ফেঁক দেঙ্গে, আকার নিকট আজুবাজু মে রে ফির হমকো ইসকা চক্কর মে পড়নে কা চান্স হ্যায়। জো প্রভুপাদ জি নে সদানন্দ স্বামীজি কো জব মিলা সদানন্দ স্বামী প্রভুপাদ জি নে বতায়ে আপকা আবি তক জিতনা সার্টিফিকেট হ্যায় জিতনা আপনি হাসিল কিয়া হ্যায় ডিগ্রি আপনা জ্ঞান জো কুছ ভি হ্যায় জো কুছ ভি হ্যায় সারে জিতনা কনসেপশন হ্যায় জিতনা জ্ঞান বুদ্ধি হ্যায় সারে লেকর আপ এক আপ যাকে সমুন্দর মে ফেঁক কে আও, পহলে সমুন্দর মে এসা গহরা পানি মে ফেঁকোগে যে দুবারা লেনে কা বিচার নেই বনে বন সকতা, যাও ফেঁক কে আও উসকে বাদ শুরুয়াত করেঙ্গে। এসা হ্যায় ভক্তি রাজ্য কা বাত হে, ভক্তি রাজ্য কে ইয়ে বাত হে সারে ফেঁক দো, পুরানা সে কুছ কাম কা নেই, নয়া শুরু করো ফ্রেশ, গুরু বৈষ্ণব সে শিখো। হ্যাঁ সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই, সংসার জিনিতে আর কোনো বস্তু নাই, সংসার জয় করনে কা দুসরা কোই রাস্তাই নেই, সাধু সঙ্গ মে কৃষ্ণ নাম হরিনাম করো আর প্রেম প্রাপ্ত করনে কা এ ভি একই রাস্তা হ্যায় সাধু সঙ্গ, সাধু সঙ্গকে দ্বারাই সব কুছ হো সকতা হ্যায়, সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম। আর কই সারে শ্লোক হমনে বতায়া ইসকে দ্বারা ই সাবিত হতা হ্যায় ভগবান কা নাম গান ছোড়কর সংকীর্তন ছোড়কর আর কই রাস্তা খুলা নেই, আর কই রাস্তা তো ফির জব হামারা জিন্দগি মে ত্রিনাদ বিভাব পেদা হতা হ্যায় তব ভক্ত পাদ পদ্ম কা ভক্ত চরণ কা সৌন্দর্য সৌকর্য দেখনে কো মিলতা হ্যায়, উসকা পহলে মিলতা নেই, মতলব অপ্রাকৃত দর্শন খুল জাতা হ্যায়। এ জগৎ কা জিতনা সারে এডভাইজার হ্যায়, এ জগৎ কা জিতনা সারে এডভাইজার হ্যায় উপদেশক, কিসি কা উপদেশ মেরা কাম কা নেই হ্যায়, জগত মে জিতনা সারে উপদেশক হ্যায় কই কাম কা নেই, এ সব ভরকানে বালে চিজ হ্যায়, একমাত্র নাম ভজন মে প্রতিষ্ঠিত যো সাধু হ্যায়, একমাত্র যো নাম কো আপনায়া হ্যায় নাম ভজন মে প্রতিষ্ঠিত হ্যায় এসা সাধু কা চরণ কা আশ্রয় লেনা বুদ্ধিমানী কা কাম হ্যায়, নাম কো আপনায়া নেই জব তক নাম কো আপনায়া নেই তো সাধু কেসা সাধু হ্যায়, ও পক্কা সাধু নেই হ্যায়, নাম কো হি জো আপনা জীবন কা আধার মানা জীবন জিন্দগি মানা এসা মাফিক পরমংশ সাধু কা আশ্রয় লেনা জরুরি হ্যায়,
प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा मापी का अगर साधु का आश्रय ग्रहण करे गुरु, तो गुरु का जो प्रैक्टिकल फीलिंग है रिगार्डिंग सेवा, सेवा के विषय में जो गुरुजी का प्रैक्टिकल फीलिंग है अनुभवे, ये अनुभव प्राप्ति होने का चांस रहता है। स्निग्ध शिष्य गुरुवो गुह्यम अपि उतो। स्निग्ध शिष्य मतलब जिसका जिंदगी में अपना कोई आशा आकांक्षा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है, सब गुरुजी का साथ एकाकार हो गया, गुरुजी का साथ एकाकार हो गया, कोई अपना बोल के कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ऐसा मापिक शिष्य को स्निग्ध शिष्य, नहीं तो स्निग्ध का ट्रांसलेशन करोगे अंग्रेजी में सोबर आ जाएगा, लेकिन सोबर जो बताया गया ये सोबर शब्द ठीक नहीं है, ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। स्निग्ध शिष्य का लक्षण है जो शांत है, जो तत्व ज्ञान प्राप्ति होने के हर वक्त तरसते रहते हैं, गुरु जी का वाणी पर ध्यान देते हैं, सेवा में नाम है, हरि नाम हरि कथा कीर्तन में बड़ा जबरदस्त आकर्षण है, ये साधु का लक्षण है। इस समाज का आदमी मेरे को सेंस ग्रेटिफिकेशन कर कैसे हो सकता है, इसका रास्ता दिखाए। तो एक काम कर, एमएससी पास किया या तो बीए पास किया, तो एक काम कर इकोनॉमिक्स ले ले, ये सब सब्जेक्ट ले पर थोड़ा बाजार खुल जाएगा, बहुत अच्छा। ऐसा करके एडवाइस बहुत आदमी देते हैं, तू पैसा को इधर लगा ले, एडवाइस पैसा को इधर लगा, बहुत रिटर्न अच्छा मिलेगा। बहुत सारे एडवाइज़र हैं, लेकिन ये जगतिक जितना सारे एडवाइज़र है, किसी का एडवाइस मेरा काम का नहीं है। दैट्स वाई इसीलिए प्रभुपाद कहते थे, आई मस्ट इग्नोर द काउंटलेस वॉइस ऑफ पॉपुलर विजडम एंड लिसन ओनली टू दैट ऑफ द रियलाइजेशन। इफ आई सीक द पाथ लीडिंग टू द अल्टीमेट गुड, देन आई मस्ट इग्नोर द काउंटलेस वॉइस ऑफ पॉपुलर विजडम एंड लिसन ओनली टू दैट ऑफ द रियलाइजेशन। किसका लिए बताया प्रभुपाद, बोले जो चाहता है मंगल, परम सत्व वस्तु को जो जानना चाहता है, बाकी जो दुनिया अपेरेंट ट्रूथ लेके भाग रहा है, जो भागा दूरी उसका लिए कोई बात नहीं है। जो एक जो व्यक्ति लोग ये जगत का जो अपेरेंट ट्रूथ इसको लेके व्यस्त है उसका लिए ठीक है, लेकिन जो अगर हम अप्राकृत जगत का वास्तव सत्व जानना चाहें, अप्राकृत जगत का सभी वास्तव सत्व है, एब्सोल्यूट अल्टीमेट ट्रूथ, तो फिर हमको जगत का जितना सारे एडवाइजर है सबका उपदेश को फेंकना है, कोई काम का नहीं। और फाइनली हमको ऐसा कोई संत महात्मा का चरण आश्रय करना है जिनको तत्वज्ञान तो है ही है और डायरेक्ट सेवा का अनुभूति है। अगर सेवा का अनुभूति नहीं है तो गुरुजी क्या देगा मेरे को? गुरुजी अगर सेवा का अनुभूति, डायरेक्ट सेवा का अनुभूति ना दे तो क्या दे सकता गुरुजी? गुरुजी के पास तो पैसा नहीं है। आजकल का जमाने तो उसे पैसा आदि देके ऐसा होता है। तो काल हमने विचार करके देखा, जो मंगल का रास्ता एक ही है वो है सौत पंथा, गुरु वैष्णव का पंथा। और सौत पंथा में श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा के द्वारा एकदम परफेक्ट जानकारी हो गया हम लोग का, जो संकीर्तन छोड़ के और कुछ नहीं है, नाम संकीर्तन भगवान का, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। हर्ष प्रभु कहे सुनो स्वरूप रामाराय, हर्ष प्रभु कहे, हंसते हंसते प्रभु कह रहे हैं, हर्ष प्रभु कहे सुनो स्वरूप रामाराय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। नाम संकीर्तन कली का परम उपाय, एब्सोल्यूट। दूसरे
युगों में सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन सब युगों में नाम का इफेक्टिव प्रभाव जरूर रहे रहा था रहेगा। ये तो साइक्लिक ऑर्डर चलते रहता है ना, ऐसा नहीं कि सत्य युग चला गया और आएगा नहीं, ऐसा नहीं। हर सत्य युग, हर कलि युग, हर त्रेता युग, हर समय हरिनाम इज ऑलवेज इफेक्टिव। लेकिन कोई अगर प्रश्न करे तो फिर महाराज सत्य युग में नाम करने से ही तो हो जाता, वो लोग तपस्या क्यों करते थे, ऐसा प्रश्न आता है ना। तो नाम उस समय भी नाम करते, ऐसा है उस समय में किसी ने नाम नहीं किया ऐसा कोई बात नहीं, आप ऐसा प्रमाण नहीं कर सकते कि उस समय कोई संकीर्तन नहीं किया, नाम नहीं किया भगवान का। नाम गान हर समय है रहेगा था, वो तो है, लेकिन विशेष व्यक्ति ये लोग को मालूम था कि संकीर्तन के द्वारा सब कुछ हो सकता है। और ज्यादातर आदमी का विश्वास ये था, विश्वास क्या है, विश्वास ये था कि इस युग में इस युग में महाराज इस युग में लिखा हुआ है तपस्या, तो क्या करें, युगोपयोगी, युग का भजन साधन तपस्या है, तपस्या है तो तपस्या ही करेंगे हम। महाजनों का पास यही विचार है क्या, ऐसा नहीं कि कलि युग में नाम का कोई प्रभाव नहीं था, हर कबा हर वक्त, अगर नहीं हुआ होता, अगर नाम का प्रभाव नहीं हुआ होता तो शुक्राचार्य जी जो डेमन है, असुरों का गुरु है, शुक्राचार्य जी असुरों का गुरु है, तो असुरों का गुरु ने कैसे बता दिया, असुरों का गुरु का कितना विश्वास है देखो, है ये इन्होंने बता दिया नाम संकीर्तन प्रभु जितना भी अमंगल है, जितना भी कुछ खोटा है, सब नाम संकीर्तन के द्वारा सब पूरा हो सकता है। मंत्रतः छिद्रम, तंत्रतः छिद्रम, देश काल समारहतः सर्वम निश्चिद्यम करोति तव नाम संकीर्तन, प्रमाण दे दिया ना। तो शुक्राचार्य जो जैसा व्यक्ति है, असुरों का गुरु है, असुरों का गुरु का स्वाभाविक रूप से नाम भगवान में कैसे रुचि हो सकता, लेकिन ये भी पक्का बात कह दिया, देखो ये भी इतना पक्का बात कह दिया, ये असुरों का गुरु है, तब अगर असुरों का गुरु कह दिया तो कहना ही क्या है, जो भक्तों लोग जो है बाकी देवता लोग तो कह रहे, ये तो कहेगा ही ना। और जब खुद ही वही बोला, जब बलि महाराज जी का योगों का समस्या हो गया, मतलब बंद हो गया थोड़ी समय के लिए, उस समय क्या हुआ, जब यज्ञ में रुकावट आई उस समय पुनः ये योगों को बढ़ाने के लिए शुक्राचार्य जी बताए, देखो प्रभु जी भगवान योगों में रुक गया, बीच में ये सब आ गया, तो फिर यज्ञों को पूरा करो। अच्छा ठीक है, यज्ञों को अगर पूरा करने में थोड़ा दिक्कत है, उसमें अगर कोई मुश्किल, क्योंकि कंटेमिनेशन हो गया ना, उल्टा पलटा हो गया बीच में, यज्ञ रुक गया, मंत्र रुक गया, सारे रुक गया ना, बलि महाराज को बामन जी महाराज चरण रखा उसका, मतलब बहुत सारे कहानी है, मैं कहानी बताने के लिए बैठा नहीं, महिमा बताने के लिए। तो शुक्राचार्य जो जी ने जब देखा यज्ञ रुक गया, उस यज्ञ को बढ़ाना है, पूरा करना है, तो ये सिद्धांत विचार बताया, मंत्रों का कोई छिद्र हो गया, तंत्रों मतलब अरेंजमेंट का, प्रोसीड्योर का कोई छिद्र हो गया, व्यवस्थापना, देश काल तो हुआ ही है, यज्ञ बंद हुआ तो काल का तो खोटा पर गया ना मंत्र, तो देश काल समारहतः, सारे के सारे
आपका नाम संकीर्तन के द्वारा पूरा किया जा सकता है। सर्वम निश्चिद्धम करोति नाम संकीर्तनम तब तब नाम संकीर्तन। आपका प्रभु भगवान आपका नाम संकीर्तन के द्वारा क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ नहीं। अरे क्या कौन करने जाए, अश्वमेध करो, ये करो, हैं इस क्यों, क्या करे, क्यों करे, क्यों करे राशि योग्य। तो फिर ये साबित हुआ तो उन जमाने में भी नाम का प्रभाव कमी नहीं था पूरा। और विशेष करके कलिकाल केवल नाम आधारा, इसका मतलब ये नहीं कि पूर्व जन्म बाकी युगों में नहीं। कलिकाल का मापिक खतरनाक कालों में अगर नाम इफेक्टिव इतना पावरफुल है तो उन दिनों में तो होगा ही होगा। एक कोई मुत्तिक न्याय एक न्याय होता है। अगर ये है, अगर ये सिद्ध है तो ये जरूर है, हैं? एक कोई मुत्तिक न्याय ना, ये तो स्वाभाविक। तो फिर क्यों आदमी लोग उस जमाने में दूसरा पसे भजन का जो पसीरियो अथवा तपस्या आदि करते थे, क्यों करते थे? इसका उत्तर ये है, उन जमानों में युगों का उपयोग, युगों का मैचिंग, क्योंकि आदमी भी तगड़ा था ना, बहुत पावरफुल। एक एक आदमी का आयु 100,000 साल सत्ययुग में, त्रेता युग में एक एक आदमी का आयु 10,000, त्रेता युग में, द्वापर युग में एक एक आदमी का आयु 1,000 साल। तो इतना शरीर में ताकत है, वे एनर्जी को खर्चा करना चाहता है। और विशेष करके इस इंज जो युग में जो प्रेस्क्राइब है वो उसी पर ध्यान दिया करते थे। ध्यान दे, जो जिस युग में जिस भजन का पद्धति चालू है उसी पर वो लोग ज्यादा ध्यान दिया करते थे। नाम संकीर्तन में ज्यादा नहीं ध्यान दिया गया, ठीक है, इतना पावर तपस्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं। तपस्या का महिमा ज्यादा, ये भी एक है ना, एक विचार है। इसीलिए लिखा हुआ है कृते जध्यायतो विष्णु। सत्ययुग में जो ध्यान के द्वारा प्राप्ति हुआ करता था, तेतायम तद जजतो मखई, यज्ञ के द्वारा त्रेता युग में है दापरे तत् परिचर्यायाम और कलयुग तत् हरि कीर्तनात्। दापर युग में अर्चन के द्वारा पूजा करो, अर्चन करो, परिक्रम करो, परिक्रम भी अर्चन का अंदर ही आता है, इसके द्वारा होगा। तो युगोबुज भी स्वीटेबल भजन पद्धति युगोपयोगी मतलब युग के अनुसार जो भजन पद्धति का प्रेस्क्रिप्शन है उसी पर आदमी लोग ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। ओ सुनते थे इसी में मंगल है, इसी में ज़्यादा ही होगा, क्योंकि बहुत कम आदमी का ऐसा विचार था जो नाम संकीर्तन पर ध्यान दिया करते थे। वो लोगों को मालूम था, ये जैसे शुक्राचार्य जो मालूम था, तो बहुत कम लोगों का, तो इसीलिए ऐसा है। और मैंने काल में अंग्रेजी कथा में बता रहा था जो कर्मकांडों का जो नेटवर्क है, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू गो आउट ऑफ दैट। काल भी ये बता रहा था, कर्मकांडों का रास्ते में चलने वाले कान खोलकर सुन ले, कर्मकांडों का रास्ता नेटवर्क जो है बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कैसे कहते हैं अर्जुन, अब्रह्म भुवना लोका, किसी का कोई छूट नहीं है,
सब घूमना पड़ेगा, सब वैष्णव छोड़कर। अब्रह्म भुवना लोका, अब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुन, अर्जुन सब रिटर्न साइक्लिक ऑर्डर में घूमते रहे। पुनरपि जननम, पुनरपि मननम, पुनरपि मातृ जठरे शयनम, ऐसे ही चलेगा। कर्म मार्ग में जो नेटवर्क फैलता है, इसमें उसको विड्रॉ करने का रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि एक कर्म अगर हो गया उसके बाद चेन वाइज एक करना ही पड़ेगा, एक करना ही होगा ही, क्या करें। तो ये चेन वाइज फैल जाएगा नेटवर्क, इससे निकालना बहुत ही। तो कर्म के द्वारा कर्म का बंधन से छुटकारा मिलना एक बचपना है, इट इज ए चाइल्डिश कंसेप्शन। क्यों? क्योंकि जगत में परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, आज हम नाम का जो कितना महिमा है ये सब कहते चलेंगे पूरा ना, काल भी चर्चा किया, नामनो अस्ति जावति शक्ति ही पापो निर्हारणे हरे हे त्वावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातुकी जनहा। इतना महिमा है हरिनाम का, प्रभाव है, जो पापी व्यक्ति इतना पाप कर भी नहीं सकता। पापी व्यक्ति ही अपना जिंदगी में, पापी व्यक्ति इतना पाप कर नहीं सकता जितना नाम का प्रभाव है। नाम का इतना शक्ति है पाप को हटाने के लिए, नामनो अस्ति यावती शक्ति ही पापो निर्हरणे हरे हे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। इतना पाप कर ही नहीं सकता, इतना क्षमता है नामों में। पाप होता है कैसे? आंखों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, सब तमाम इंद्रियों का पाप लेने के लिए बैठा हुआ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए परीक्षित महाराज ने बताया, दृष्टो श्रोताभ्याम यत् पापम जनन ओपि आत्मनो अहितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्त अथो कथम। दृष्टा श्रोताभ्याम यत् पापम, आँखों कान त्वचा नाक सब के द्वारा, दृष्टो श्रोताभ्याम यत् पापम जनन ओपि आत्मनो अहितम, ये जानते हैं, ये जानते हुए भी, ये जानते हुए भी ये पाप करने से बहुत भयंकर रिजल्ट मिल सकता, पाप करना उचित नहीं, ये जानते हुए भी अपने को रोक नहीं सकते, ये अपने को रोक नहीं सकते। सेम चीज परीक्षित महाराज, हमारा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछा, अथक केन प्रयुक्त एम पापंचरति पुरुष, अथक केन प्रयुक्त है, किसी का दिल में खराबी करेंगे ऐसा विचार नहीं है, हर वक्त खराबी करें। लेकिन दुर्योधन भी ये स्वीकार की, हम जानते हैं ये अच्छा कर्म है लेकिन करने के लिए रुचि नहीं, मेरे को मालूम है ये बुरा कर्म है, पाप है, फिर भी करने से रोकना संभव नहीं, ये करने के लिए हमारा अंदर में हर वक्त यही इच्छा करते, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, तया ऋषिकेश हृदिस्थितेन यथा निजुक्तोस्मि तथा करोमि। अर्जुन प्रश्न किया, भगवान जानते हुए भी ये अन्याय है, पाप है, अथक करना प्रयुक्त है, सो कौन इसको अनिच्छन नोपी, इच्छा नहीं है पाप में बलादि व नियोजित, अथक के न प्रयुक्त है हम पापन चरित पुरुष। मेरा पास एक प्रश्न है ठाकुर जी, कैसे पाप आचरण करता है, अथक के न कौन लगाता है
अथ केन प्रयुक्त पापंचार्थ पुरुषा, किसके द्वारा प्रेरित होकर ये पाप में लग जाता है, अनिच्छन भी इच्छा नहीं है, अनिच्छन भी वार्षिक बलादि बनी, जैसे कोई जोर जबरदस्ती उसको पाप में लगा दिए, कैसे होता है ये, क्यों होता है? तो पाप आचरण होते रहते हैं, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, ये होते ही रहते हैं। इसका विवश होके, विवश होके ये करने के लिए मजबूर हो जाता है, विवश माने मजबूर हो जाता। दृष्टो सुताभ्याम यत पापम जनन ओपि आत्मनो अहितम करोति भूयो विवश प्रायश्चित अथ कथम। तो इस जगत का जो प्रायश्चित्व करने का जो व्यवस्था रखा हुआ है, ये जगत में प्रायश्चित्व करने का तरह तरह का व्यवस्था रखा हुआ है ये जगत में, जैसे कि चंद्रायन वतु आदि सब है, तरह तरह का व्यवस्था रखा हुआ है। ये प्रायश्चित्व करने का जो विधान है ये क्या ठीक है? क्योंकि दृष्टो श्रुताभ्याम जत पापम जनन उपि आत्मन हितम करोति भूयो विवश प्रायश्चित्व अथोकरम। तो प्रायश्चित्व कैसे हो सकता, प्रायश्चित्व होगा नहीं, ये जानता है ये एक पाप है, क्यों वह रोका नहीं जाता। अपने को रोकना बहुत मुश्किल है, जो अर्जुन ने बोला अनिच्छन्नोपि वर्षे बलादिपो नियोजित, इच्छा नहीं है लेकिन मानो कि कोई जोर जबरदस्ती लगा दिया। सदृष्ट श्रोताभ्याम यत पापम जनन ओपि आत्मन अहितम करोति भूयो विवश, एक बार बंद कर दिया ठीक है नहीं करेंगे, फिर काल शुरू कर, करोति भूयो विवश, तो फिर प्रायश्चित्व कैसे होगा? प्रायश्चित्व करके पाप को हटाया जाए, फिर करने का इच्छा पैदा होगी और करे। कचित निवर्तते अभद्राद कचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो अपार्थम मन्ने कुंजर शौचव। कचित निवर्तते अभद्राद, कभी अमंगल से दूरी रहने का विचार बनाता है, कचित निवर्तते अभद्राद आ कचित चरति तत्पुनः, दो दिन मान लिया फिर तीसरा दिन फिर कर दिया। कचित निवर्तते अभद्राद कचित चरति तत्पुनः, पुनः पुनः फिर कर रहा है, तो फिर प्रायश्चित्त अथो, प्रायश्चित्त अथो अपार्थम मान्य कुंजर सोचो, तो प्रायश्चित्त करने का क्या दरकार है, ये तो बेकार ना। क्योंकि हाथी अगर स्नान मनाए बढ़िया ढंग से, उसका बाद फिर पानी का तालाब से नहा के निकाले और फिर धूली मैला सब शरीर में दे दिए, तो फिर क्या फायदा है? प्रायश्चित्तम अथो अपार्थम मन, प्रायश्चित्व का जो विषय है वो तो और लगता है कि यूजलेस, कोई काम का नहीं है, कुंजर सोचो। अब बादरायणी ऋषि, बादरायणी ऋषि उत्तर दे रहा है, ये राजन पापों का जो मूल है, बीज है, ये प्रायश्चित्व के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। हे राजन ध्यान दे मेरा बात पर, हे राजन ध्यान दे मेरा बात पर, ये जो प्रायश्चित्व का विषय है इसके द्वारा पाप हट जाता है, लेकिन पापों का जो मूल है जड़, जो से जाएगा नहीं, संभव नहीं है। तो फिर कैसे संभव है? इसका ही उत्तर देने के लिए नाम का महिमा और जो नाम करने वाले साधुओं का महिमा का कीर्तन किया गया। न तथा ही अगवान राजन पूजे तो तपादि भी, न तथा ही अगवान, पापी आदमी उतना पवित्र नहीं हो सकता ये चांद्रायन आदि व्रतों के द्वारा जाग जुग कुछ भी कर, इतना पवित्र नहीं हो सकता जितना पवित्र
हो सके कृष्णार्पित पान तत्पुरुष से निशे भया। कृष्ण चरण में सब अपना तन मन जीवन गुरुपद अर्पण हरिपद अर्पण जो कर दिया, ऐसा मापे कोई अगर पुरुष मिले तो इनके सेवा करे। इनके सेवा के द्वारा साधुगुरु वैष्णव के सेवा के द्वारा इतने जल्द जल्द पाप हट जाए कि आप सोचने का बाहर है। आप कभी नहीं सोचा होगा, मैं लिखा हुआ है, मैंने पहले भी कई बार ये श्लोक भागवत जी महाप्राण का श्लोक दोहराया बताया व्याख्या भी की। रजस्तमश्च सत्येन सत्यं च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषैः अञ्जसा जायते। गुरु भक्ति वैष्णव भक्ति के द्वारा पुरुष देवधारी जीव देवधारण करी जीव अनायास पार हो सकता, अनायास पार हो सकता। कैसे? और पुरुष का सेवा के द्वारा। रजस्तमश्च सत्येन सत्यं च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुषो ही अंजसा जाए। ये जय करना कोई बड़ा बात नहीं, अनायास हो जाए। क्यों? बोले ये जो महापुरुष जिनके हृदय में भगवान विराजमान है, हम इनके सेवा करें तो भगवान संतुष्ट हो जाता है जल्द से जल्द। जैसे एक मैया का लौटा बेटा को प्यार करो तो मैया खिल हंसी में हंसी खिल जाती है, खिलते हैं ना, खिलती है हंसी हो जाती। ऐसा मापिक भगवान का भक्तों का अगर प्यार करो सेवा करो इसके द्वारा बंधन छूटना तो सामान्य बात है। बंधन को छूटना, बंधन से छुटकारा मिलना तो सामान्य बात है, इससे बढ़कर है। भक्तों का संग से भगवान हरि मिलता, हरि का भक्ति। सो न तथा ही अगवान राजन पुये तो तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निशे भया। कृष्ण में अर्पित जो आत्मा है भगवान वैष्णव है गुरु वैष्णव, ऐसा मापिक पुरुषों का कोई सेवा करे तो ऑटोमेटिकली इसका पाप हट जाते, पाप हट जाते। जितना अनर्थ हटाने का सबसे बड़ा जबरदस्त प्रोसीज्योर है। और कृष्णार्पित प्राण निषेवया, इसका माने क्या है? जो कृष्णार्पित प्राण है कृष्ण में अर्पित, तो कृष्ण का नाम लेके तो बुलाएगा, वो चुपचाप नहीं रहेगा ना। कृष्णार्पित प्राण मतलब कृष्णार्पित प्राण मतलब कृष्ण प्राण है, तो जैसे हर भगत नाम लेकर ठाकुर जी को बुलाएंगे ना, भगवान बचा लो, भगवान का संकीर्तन करेंगे हर वक्त भगवान को नाम। तन्याम ग्रहणादि भी इत्यादि श्लोके द्वारा भगवान का नाम ग्रहण करना प्यार से, इसको ही वास्तव भक्ति माना गया। तो विचार ये बना कि न तथा ही अगवान राजन पिये तो तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेव है, ये बात पक्का है। भगवान का भक्तों का सेवा करने से ही दिल का जितना सारे पाप, पाप का ठिकाना, पाप को ठिकाना में लगा देगा पूरा, कुछ नहीं रहे। और सुखदेव गोसाई परीक्षित महाजी ने बताए प्रायश्चित्तानि चिरणानि नारायणो परान्मुखम न निष्पुनन्ति राजेन्दो शुराकुंभो मिवापगा। प्रायश्चित्त करने का जो विधान दिया गया ये तो आदमी करते रहते हैं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, प्रायश्चित्तानि चिरणानि नारायणो परान्मुखम, जो नारायण विमुख है अर्थात भगवत विमुख है, अगर वो भगवत विमुख है वो चांद्रायन योग्य करे आ तो अश्वमेध करे, कुछ भी कर ले, तपस्या करे, कोई कुछ होने वाला नहीं। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि ये लोग का भगवान से
भगवान से विमुख है, भगवान का विमुख है, भगवान के चरण में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। इसलिए प्राश्चित्तानि चिरणानि नारायणो हैं परान्मुखम नॉन स्पुनंती राजेंदो सुरा कुंभो मिवापगः। हे राजन, कृष्ण का चरण में भगवान, नारायण के चरण में, विष्णु के चरण में भक्ति बिल्कुल नहीं है, नारायण विमुख एडवर्सिव। तो ये व्यक्ति को कोई चांद्रायन आदि बुद्ध कुछ भी कर ले, ये पवित्र नहीं कर सकता। नौ निष्पुनती राजेंदो सुरा किम्भो मिबापगा, सुरा किम्भो, सुरा कुंभो मतलब एक पिचर ऑफ वाइन, मत का, दारू का एक पात्र है। जिस पात्र में दारू रखा जाए, चाहे मिट्टी का हो या चीना माटी का हो या तो किसी का, ये पात्र अपवित्र हो जाता है, हर हालत में अपवित्र हो जाता है। तो प्रायश्चित्तानि चिरणानि नारायण नारायणो परान्मुखम नॉन स्पुनंती राजेंदो सुराकुम्भ मिवापगा। जैसे सूरा दारू का कोई पात्र को पवित्र नहीं किया जा सकता। मैंने उस दिन भी मास दो महीना पहले हरिकथा में बोला, अगर किसी व्यक्ति में तमाम गुनावली है, तमाम दुनिया का गुनावली सब है उसका, ठीक है चलो कोई, लेकिन अगर कृष्ण भक्ति ना रहे, भगवत भक्ति ना रहे, ये कोई काम का नहीं। विप्रात दिशर गुण जुतात अरविंद नाभ पदारविंद विमुखात सपचंबरिष्ठम, इससे बढ़कर है सपच। विप्रात दिशर गुण जुतात अरविंद नाभ पदारविंद विमुखात सपचंबरिष्ठ। तो दारू का पात्र जैसे किसी भी हालत से पवित्र नहीं किया जा सकता है, प्राश्चित्तानि चिरणानि नारायण, वो जो नारायण विमुख है, भगवत विमुख है, विष्णु नारायण भगवत, जो भगवत विमुख है इसको पवित्र नहीं कर सकता। इसको चांद्रायन आदि व्रतो, किसी भी व्रतो करो, कुछ भी करो, तपस्या करो, कुछ पवित्र नहीं कर सकता। न तथा ही भगवान राजन पुए तो तप आदि भी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। सबसे बड़ा पवित्र होने का रास्ता यही है। इसके बाद बताया गया ठीक है, तो फिर परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी ने एक प्रमाण दिया। पहले अत्रो चोदारंतिम इतिहासम पुरातनम दूतानाम विष्णु यमयोः संवादस्त्वं निबोधमे। हे राजन, मैं पुराना एक कहानी बता रहा हूँ आपको, मैं पुराना एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो बड़ा फेमस है। अत्रो चो उदाहरंतिम इतिहासम पुरातनम दूतानम विष्णु यमयो, अर्थात विष्णुदूत और यमदूत, विष्णुदूत और यमदूत, ये दोनों का आपस में जो चर्चा हुई इसका बारे में हम बताएंगे, तो आपको ये बात खुलासा हो जाएगा। अत्रो चोदाहरंतिम इतिहासम पुरातनम दूतानाम विष्णुयामयोः संवादस्त्वं निबोध। आप ध्यान से इस बात पर श्रवण करें, ध्यान देकर इसको श्रवण। क्या ध्यान दिए? पहले मौत का घोरी आ गया, एक साउथ दक्षिण भारत में ये अच्छा खासा एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका हृदय में भगवान के लिए, सालग्राम के लिए भक्ति, पिता माता के लिए, गुरुजनों के लिए, तमाम सद्गुणों से घिरा हुआ, रोज गायत्री मंत्र जपते थे, गुरुजनों को पूजा करते थे, सालग्राम पूजा करते थे, फल फूल जगन में लाते थे, लेकिन अचानक इसका हालत बिगड़ गया। वो कैसे?
जंगल में गया फूल फल लेने के लिए, वहां एक बेश्या ने एक आदमी का साथ बड़ा बड़ा फालतू हरकत हरकते करते, ये सब देख के ये काम विनिमय ये देख के इसका अंदर में बड़ा कलमश के देखना भी माना है, ये देखना भी माना है, करना तो माना है, देखना भी माना है। तो देखने का साथ साथ इसका अंदर में इसका जो सद्भाव, इसका अंदर में इसका जो सद्भाव सब खो गया, खो गया। इसके बाद ये मरने का चक्कर में है और इनको लेने के लिए जमदूत आए, जमदूत आए और जमदूत लेने के लिए लेने का तैयारी में है। इतने में ये जो आदमी अजामिल, इन्होंने संकेत के द्वारा ऐसे तो बुला रहा था अपना पुत्र को, छोटा लड़का का नाम रखा था नारायण, और नारायण को बुलाने के लिए नहीं की। और बाद में जब डर गया जमदूत, जमदूतों को देखकर डर गया कायमन वाक्य, तो डर के मारे मुंह से निकल गया नारायण, अपना लड़का जो नारायण है, नारायण का याद आ गया, नारायण का याद आ गया। नारायण के याद आने का साथ नारायण का जो याद आया, नारायण का ये जो शब्द उच्चारण किया नामाभास के द्वारा, तुरंत उधर विष्णु दूत भी आ गया। नारायण चार फोर सिलेबल का ये नाम उच्चारण का साथ साथ विष्णु दूत भी उधर आ गया। चार विष्णु दूत आया और तीन कायमन वाक्य के द्वारा आदमी पाप आचरण करते रहते हैं, इसलिए तीन विष्णु दूत आया, चार तीन जमदूत आए और विष्णु दूत चार आए। बाद में जब उसको लेने का तैयारी करे थे, विष्णु दूत आके इसको रुकावट बन गया और करने नहीं दिया, है कहाँ ले जा रहे, तो इसमें तो थोड़ा बहस फैल गया, बहस हुआ था। वो बहस में क्या आता है, जो जमदूत जब अजामिल को अपना शरीर का अंदर से आत्मा को खींच के ले जाने का तैयारी में था, आत्मा मतलब सूक्ष्म देह भी, क्योंकि मोटा देह परे रहता है, सूक्ष्म देह अनुगमन करता है, सूक्ष्म देह मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सूक्ष्म देह इसको बाहर करके ले जाने का चक्कर में थे। लेकिन विष्णुदूत जमदूत विष्णुदूत का सामने परिचय दिया, मैं धर्मराज अर्थात जमराज जी महाराज का आदेश पालन करने वाले जमदूत हैं, आप कौन है, हम लोग विष्णुदूत हैं। तो क्यों रुक रहे हो, ये तो उचित नहीं है कि हमारा प्रभु का जो आदेश है, अजामिल बहुत पाप किया, बहुत अनगिनत, इसको ले जाने के लिए आदेश हुआ से ले जाने के लिए आया है ऐसा बोल के बोल रहे हैं। लेकिन विष्णुदूत बताएं कि आपको कुछ पता ही नहीं है, ये प्रायश्चित कर दिया, प्रायश्चित तो कब किया, बोले हाँ प्रायश्चित कर दिया, जब नारायण बोल के ये नाम को पुकारा था चार अक्षर नारायण का, तभी इसका प्रायश्चित हो गया, प्रायश्चित इसका हो गया। तो इसको और ले जाओगे कैसे, क्योंकि भगवान का नाम जिसका जवान पे है वो कभी जमदूत जमालय में नहीं जा सकता। जो श्लोक देके शुरू किया था याद है ना, ये अफसोस कर रहे हैं कभी वैष्णव, ये आश्चर्य है, ये मनुष्य लोग में सब सुधा अमृत छोड़कर सब विष पान करने के लिए दौड़ रहा है,
कोई मानेगा नहीं, सब अपने को बुद्धिमान मान। अरे मत जा, तो जाओ आप जाओ अपना काम करो, वो जाएगा नरक में, जो रोका नहीं जाए। इसीलिए कवि ने लिखा है कुलशेखर जी ने, यह आश्चर्य है ये मनुष्य लोग में सुधा छोड़कर विष पान करने के लिए सब दौड़ रहा है, कोई मानेगा नहीं। आश्चर्य में तद ही मनुष्य लोके शुद्धम परित्यज विषम पिबंती, आश्चर्य में तद ही मनुष्य लोके, आश्चर्य में तद ही मनुष्य लोके शुद्धम परित्यज विषम पिबंती, नामानि नारायणो गोचराणि त्यक्तम वाचा कुहका पठन्ति। ये पागल बन गया है लोग, क्यों अमृत छोड़कर विष पान कर रहे, यही तो सवाल है। करेगा कोई मानेगा नहीं। यहां बताया गया कि अजामिल का ये इस बात पर ध्यान दे, अभी इसे तो कहानी बताना दरकार नहीं है, तो फिर समझना है कि इस विषय में ये जो जमदूत को रोक दिया विष्णुदूत, और इतना ही नहीं वो फटकार दिया, शास्त्रों का विचार दिया, हरिनाम का महिमा बताया, जो मरने का टाइम में वो नारायणा ये अक्षर उच्चारण किया, तो इसका कैसे आप उसको ले जाओगे, मारोगे पीटोगे, ये तो बाहर। बोले महाराज ये बहुत पाप किया अनगिनत। देखो इस सिलसिले में ये बताना चाहूं, जगाई मदाई ने कितना कुछ नहीं किया, ऐसा कोई पाप है जगाई मदाई ने ना किया, है कुछ पाप सब किया, लेकिन जगाई मदाई का परिवर्तन हो गया। जगाई मदाई ने क्या कुछ नहीं किया, सब किया किया, तो लक्ष्य हीरा बेशा ने क्या कुछ नहीं किया, सब हट गया ना, सब चला। सुबुद्धि राय का नाम सुना है नहीं सुना है, क्यों नहीं सुना है, महाप्रभु को प्यार करते थे, रूप सनातन का साथ बड़ा जबरदस्त रिलेशन। ये सुबुद्धि राय का एक कहानी है, कहानी नहीं है, वो सुनना जरूरी है, ये विचार है। सुबुद्धि राय ने एक दफे राजा हुसैन शाह, बहुत दिन पहले का, जब राजा नहीं हो, जब वो आपका एक फोरमैन था, फोरमैन तो देखता है ना, इसका अंडर में कुछ लेबर रहता है, देखता है भूल, तो इन्होंने एक एक बड़ा तालाब जो है खुदवाने दिया, एक तालाब बड़ा तालाब किन्होंने दिया, सुबुद्धि राय। सुबुद्धि राय ने हुसैन शाह ऑर्डिनरी लेबर का देखभाल करता है, उसको जुमा दिया, तुमने सही ढंग से ही करो, और बोल के अपना काम में गया, आके देखा गलती कर दिया, तो क्या किया सुबुद्धि राय, सुबुद्धि राय ने व्हिप जानते हो, चाबुक ले लिया हाथ में, बड़ा पिटाई किया उसको, फटा, इतना पिटाई किया वो इसका जो पृष्ठ देश है पीछे पूरा फाट के खून बहने लगे, इतना पिटाई किया कि जिंदगी भर वो जो एक मार्किंग रह गया वो मिटने वाला नहीं है, इतना पिटाई किया। पिटाई करने के बाद सुबुद्धि राय का पास इतना पिटाई खाने का बाद उसका अकल आया। इन्होंने आगे चलकर इसका बुद्धि खोला, इन्होंने राजा बन गया, शहंशाह बन गया हुसैन शाह। अब हुसैन शाह तो हुसैन शाह का बीवी है, हुसैन शाह शादी की है, शादी करने के बाद जो बीवी है, बीवी क्या है ये पीछे आपका
पीछे आपका जो पीछे पीछे आपका जो मार्किंग है ये इतना भयंकर क्या है। उन्होंने खुलासा किया, उन्होंने बोला रानी मेरे को पिटाई किया था। किसने? मेरा पिता जैसा, मेरा पिता जैसा शुद्ध सुबुद्धिया है। हा तुमको पिटाई किया, उसको मारेंगे हम। अरे उसको कैसे मारोगे? वो पिटाई किया तब ना मेरा अकल आया, मैं आज जाके राजा बनू। नहीं हम नहीं मानते, उसको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा उसको। अरे हम मारे कैसे? वो तो पिता का बराबर मेरा शासन किया। नहीं उसको नहीं, तो एक काम करो उसको उसका जाति ले लो, उसको करवा का पानी पिलाओ। अरे करने से वो मरेगा ना, खुदकशी करेगा। भले वो हम कुछ नहीं जानती, करना ही पड़ेगा। तो सुबुद्धि राय ने क्या, सुबुद्धि राय को पकड़ के लाया जब राजा बना था, जोर जबरदस्ती उसको है ये मलेच्छों का ये करवा का पानी जोर जबरदस्ती पिला दिया। अब पिलाने के बाद बेचारा कहाँ जाए, रोते रोते पागल हो गया, कहाँ जाए, यहाँ गया वहाँ गया पूछने के लिए मेरा प्रायश्चित्त तो क्या है, व्हाट इज माय एक्सपायरेशन। वाराणसी गया, वाराणसी का पंडित सब ब्राह्मण ने बोले ए शरीर को खत्म करो, गरम घी उबाला हुआ घी को पी लो और मरो। है मरी? हाँ मरो, इसका और कोई दूसरा कोई विचार नहीं बनता, ये छोड़ के और दूसरा कोई विचार नहीं बनता, मानना ही पड़ेगा, जाओ। तो पागल हो गया, क्या करे, हाय राम, इधर गया उधर गया, सब एक एक बार एक एक आदमी एक एक बोल रहा है। अंतिम में महाप्रभु जी का साथ मिला, प्रभु ऐसा हुआ मेरा, क्या करे। प्रभु जी मैं कुछ चिंता नहीं, तुम एक काम करो, निरंतर करो तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम करो, भगवान का नाम करो, एक कृष्ण नाम से पुराना दिन का जितना पाप है जितना कलमस है सब चले जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। आई बात समझ में? और दूसरा कृष्ण नाम जो वास्तव इसमें प्रेम जागृत हुआ, जो अनमोल संपत्ति है अनंत ब्रह्मांड में, कृष्ण प्रेम छोड़कर कोई संपत्ति है तो दिखाओ, है तो दिखाओ, कहाँ है। तो सुबुद्धि राय को भी महाप्रभु जी ने यही विचार बताया, यही प्रायश्चित्त है, कृष्ण नाम सबसे ऊपर है, भगवान का नाम करो। जब आपका बांग्लादेश में, वर्तमान बांग्लादेश उस समय में इंडिया भारत है, जब महाप्रभु पढ़ाने के लिए गया व्याकरण सब कुछ, ये तो बहाना है, खैर छोड़ो ये बहाना है कुछ नहीं, तो उस समय तपन मिश्रो बड़ा स्वात्विक ब्राह्मण है, वो परेशान है, उसको विचार नहीं बन रहा है, बड़ा परेशान है, कैसे भजन करूं, क्या पद्धति है, कौन बताएगा, कोई सही ढंग से बताने वाला कोई है नहीं सामने। बाद में साधु साधन तत्वों का बारे में ही वॉज इन कन्फ्यूशन, ग्रेट कन्फ्यूशन, साधु साधन का बारे में ही वॉज इन ग्रेट कन्फ्यूशन। बाद में इन्होंने सपने देखा, सपने में कोई देवता की कुछ होगा, कोई ऋषि मुनि कोई कैसे कोई आके एडवाइस दिया, हे तपन मिश्र उठो जाओ, तुम जो साधु साधन का बारे में जो इतना परेशान हो, आ गया, मिल गया तुम्हारा समाधान। बोल का? बोले यहाँ निमाय पंडित आया है, दो कदम चलो, निमाय पंडित आया है उसका पास जाओ, निमाय पंडित आया है उसका पास जाओ, सारे समाधान मिल जाएगा। अच्छा, तो सुबह में उठकर जल्दी उठकर नहा धोवा करके कहाँ निमाय पंडित है ढूंढने निकाला, और मिल भी गया ठाकुर जी का कृपा से, और जाके चरण में गिरा, महाराज बताओ हम कैसे जिए कैसे भजन करें,
साधु सदन तत्व के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, विचार नहीं बन रहा है, आप थोड़ा हमको बता दो। महाप्रभु जी ने इनको बताया, देखो संबंध अविधेय प्रयोजन ज्ञान को ध्यान रखना, और हरिनाम छोड़कर संबंध अविधेय प्रयोजन ज्ञान होता ही नहीं, इसीलिए पहले हरिनाम देने का व्यवस्था है। ध्यान दे, जो बात हमने काल बताया था, भक्ति मित्र को बताया, तुम हरिनाम का महिमा बोलते चलो बोलते चलो बोलते, और खुद नाम करते चलो, एकला नाम करते विश्वास का साथ, तुम्हारा ये हरिनाम का महिमा बोलने का साथ साथ जिन लोगों का सामने कहोगे उसका विश्वास पैदा होगा, श्रद्धा गाढ़ा होते रहेगा, बाद में हरिकथा के द्वारा इसका चरम मंगल का रास्ता खुल जाएगा, चरम मंगल का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए महाप्रभु जी ने भी बताया हरिनाम का महिमा और संबंध अविधेय प्रयोजन, किस लिए ऐसा नियम है कि महाराज दीक्षा का पहले हरिनाम देना उचित है, क्यों हरिनाम देता है गुरुवर्ग कृपा करके, दीक्षा नहीं देता, किस लिए, बोले ये हरिनाम देने का साथ साथ अगर वो पक्का है, कोई कपट नहीं है, तो उसका असर पड़ता है, एक प्रभाव है, क्योंकि नामाचार्य जो गुरुपाद पद्म भक्ति पवन पूरी विषय महाराज हमको दिया है, तो इसका प्रभाव तो आज नहीं तो कल पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका साथ साथ नाम का महिमा सुनते सुनते, भले ही आप नाम नहीं उच्चारण हो रहा है, चल ठीक है, आज नाम नहीं उच्चारण, मैं जानता हूं क्या करूं, रखते चलो रखते चलो, कम से कम अगर नाम अपराध ना हुए, नाम नाम आभास भी हुए तो भी कमाल की बात है, नाम आभास हो जाएगा तो मुक्त हो जाएंगे, विषय मुक्त हो जाएंगे। है बहुत पुराना एक कहानी है, हकीकत है ये, चैतन्य मठ में बहुत दिन पहले का, जब प्रभुपाद का चैतन्य मठ अभी अभी हुआ है, ऐसा समय चैतन्य मठ होने के बाद भक्त सब आने लगे, भगवान भेजने लगे, और चैतन्य मठ में बच्चा बच्चा लोग, जैसे बामन गुस्सी महाराज जैसा बच्चा है, बच्चा लोग आते थे कि 8 साल का 10 साल का 12 बच्चा है वो आते थे, और ये लोग सेवा भी करते थे। बच्चा लोगों ने एक दफे बैठ के पैर का नीचे, एक पैर का नीचे बैठ गया चैतन्य मठ का अंदर, चैतन्य मठ का, अब बामन गुस्सी मैं वहां थे कि नहीं थे हमको मालूम नहीं, ये हमको जानकारी है नहीं, लेकिन ये कहानी पक्का कहानी मिलावटी नहीं है। तो बच्चा लोगों ने, जो कम उम्र वाले हैं बच्चा सेवक, बैठ गया, बैठ के पैर का नीचे दोपहर का टाइम में चर्चा करने लगे, अरे हमने सुना है प्रभुपाद जी साक्षात भगवान का निजी जन है, और एक आदमी, हाँ सच्चा बात है, देखने से ही लगता है, पर तो फिर एक क्वेश्चन है प्रश्न है, अगर प्रभुपाद भगवान का निजी जन है और प्रभुपाद अगर हम लोगों को हरिनाम दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हरिनाम क्या है, अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये क्या मिलेगा इसमें, कोई समझ में नहीं आ रहा है, दिन भर रटते चलो हरे कृष्ण, बच्चा लोग आपस में चर्चा करने लगे। तो एक उम्र वाले, मतलब भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज, उस समय में उसका ब्रह्मचारी नाम क्या था, गृहस्थी छोड़ के आ गए थे मठ में, बड़ा अच्छा खासा संत है, इसका महिमा जो भी बोलो जितना भी बोलो कम है, ऐसा प्रभुपाद का गणों का प्रभाव है। तो इन्होंने उस समय उस जगह से गुजर रहा था, तो अचानक चर्चा सुन के रुक गया, अच्छा हम सुन सकता है आपका चर्चा का, नहीं क्या, कुछ नहीं, अरे बोलो ना सही, हम भी तो सुने, आपका इष्टोगुष्टि हो रहा है ना, आपका तो इष्टोगुष्टि हो रहा है ना, ऐसा भी हो सके कि हम समाधान दे सके, है नहीं, हम थोड़ा उम्र वाले है ना, तो थोड़ा समाधान कर सके ना, तो आपका मतलब क्या संशय है बताओ। बोले हम लोग का विचार ये बनना, हम लोग विचार कर रहे थे कि प्रभुपाद भगवान का निजी जन है,
पर हाँ ये तो पक्का बात है यार, प्रभुपाद जी से हम लोग हरिनाम लिया है और सुना भी है, हरिनाम और हरि एक ही है, अलग नहीं है, तो हम लोगों का दिल में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्या बात है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ हरे कृष्ण करता हूँ, क्या बात है, हैं? तब ये तुम्हारा आपका ये जो भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज इन्होंने उत्तर देना शुरू कर, देखो ये जो आपने सवाल किया बहुत सुंदर सवाल, जबरदस्त सवाल, क्यों बोले इसमें आपका बहुत सुंदर एक उत्तर निकालेगा, बोले कैसे, बोले जैसे बच्चा नादान है, हम भी देखा है कलकत्ता में देखा है, बच्चा नादान है, इतना बच्चा पैदा होने का बाद पिता माता गुजर गया, अरे उतना दूर मत जाओ, हरिदास ठाकुर का भी तो ऐसे ही हुआ था, जन्म लेने के बाद पिता माता गुजर गया, पड़ोसी का घर में पालन पोषण हुआ, बाद में भागकर चले आए बेनापोल से, चले आए बेनापोल, हैं? तो हरिदास ठाकुर भी पिता माता, ऐसे ऐसे होता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं, ऐसा होता है ना, ऐसा भी होता है, बच्चा पैदा होने के बाद पिता माता गुजर गए, तो बच्चा नादान है, तो नादान बच्चा, लेकिन पिता माता बड़ा धनी व्यक्ति है, बड़ा धनी व्यक्ति, ये धनी व्यक्ति क्या करे, ए बड़ा पैसा वाला है, जमीन जायदाद ऑफिस कचौड़ी बहुत सारे, अब बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत माता जी गुजर गई, इसके एक दो दो चार साल का अंदर पिताजी भी गुजर गया, अब कोई है नहीं, तो लॉयर जो है, लॉयर विचार करके देखा, ये बच्चा जब तक 18 साल का ना हो जाए, जब तक ये बच्चा 18 साल का ना हो जाए, तब तक ये इनका जितना जायदाद है, जितना कुछ है, एक कंपनी है, ये प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर, मैंने हरिद्वार गया था, एक प्रॉपर्टी डीलर है, उन्होंने लेके गया था एक जगह मेरे को, वो प्रॉपर्टी डीलर है, हमने नहीं गया, वो बोला, महाराज बोला इसको ले जाओ, महाराज जी वो जानता भी है, श्रद्धा भी रखता है बहुत, तो एक जगह लेके गया, ये प्रॉपर्टी डीलर है, तो प्रॉपर्टी डीलर का कंपनी होता है टैलबोट कंपनी, जैसे टैलबोट कंपनी, टैलबोट कंपनी का काम ही ये है, जे जितना सारे प्रॉपर्टी है उसका डीलिंग्स करना, उसका रखवाली करना, इसका बदले में उसको एक अमाउंट लेता है, वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी का कॉम्प्लिकेशन कैसा है, यदि अगर प्रॉपर्टी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका ज़्यादा लेगा, नहीं तो मंथली एलो का मिलता है, इसको व्यवसाय ऐसे ही है, मंथली समझो को किसी से 1,00,000, 2,50,000 ऐसा मिलते रहता है, तो महाराज जी अर्थात भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज ये उदाहरण ये बच्चों को दिया, जो देखो जैसे बचपन में अगर पिता माता गुजर गया तो इस समय उसको अगर बच्चा को कहा जाए तुम्हारा करोड़ों करोड़ों का जायदाद तुमको दिया गया, बच्चा कुछ समझेगा नहीं, क्या बात है, हमको मतलब है लेमन चूस और बिस्किट से, क्या करें ये सब देखे, बच्चा है तो बच्चा रहते समय क्या संपत्ति है ये पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे बड़ा होते होते होश संभालता है कि मेरा पिता माता गुजर गया, 18 साल 16 साल 18 साल का लड़का जब सीनी तब क्या होता है वो प्रॉपर्टी को खुद संभाल सकता है, वो समझ आता है, ओ माँ इतना बड़ा प्रॉपर्टी पिता पता छोड़ के गया, तो ऐसा ही उदाहरण दिया महाराज जी ने बोले देखो आपका जो प्रॉपर्टी प्रभुपाद जी ने दिया है ये आज आपको समझ में नहीं आने, आप कैसे आएगा, आप नादान हो ना, प्रभुपाद साक्षात भगवान को ही दिया है, प्रभुपाद अगर किसी को हरिनाम दिया है तो यूं समझ लो कि भगवान को ही दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, जो नाम वही भगवान है,
तो फिर समझ में कब आए, भाई नाम तो भगवान को दिया है, प्रॉपर्टी है, लेकिन जब होश संभालोगे, जब बड़े हो गए, मैच्योरिटी प्राप्त हो गए, भजन करते करते, भजन करते करते जब मैच्योरिटी आएगा आपका अंदर में, भजन करते करते अगर अनुगत करो तो, भजन करते करते बाद में हम समझोगे क्या अमृतमय वस्तु को प्रभुपाद जी ने दिया है। अनंत ब्रह्मांडों का सबसे बड़ा अनमोल संपत्ति, अनंत ब्रह्मांडों का जो अनमोल संपत्ति ये प्रभुपाद जी ने तुमको दिया है, अब होश संभालो, बाद में अब समझोगे। इसीलिए प्रभुपाद कभी कभी कहते थे, आप लोग गुस्से में आकर कहते अपराकित गुस्सा, आप लोग मेरे को वादा किया, आप लोग मेरे को वादा किया हरिनाम करोगे, इसलिए मैं हरिनाम दिया हूं, आप हमको धोखा क्यों दे रहे हो, ये क्या विचार है आपका, आप तो प्रतिज्ञा किया हरिनाम भजन करोगे हैं, अब माया में फंस गया कैसे, ये क्या बात है। प्रभुपाद कहते थे बड़ा दुख के साथ, दुख के साथ कहते थे। तो विचार ये है, अनमोल संपत्ति हरिनाम से बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरा समझ का बाहर है, मैं समझ नहीं पाता हूं, मैं नादान हूं, मैं बाचाल हूं, मूरख हूं, अपराधी हूं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने ये अजामिल महाराज जी का जो प्रसंग, देखो अजामिल महाराज इतना खराब काम किया, फिर भी अजामिल महाराज का कितना नाम फैल गया, अजामिल ओपी अगाध्यामम किम उतो शुद्धया गृणन, अजामिल ने अचानक बोल दिया नारायण अब श्रद्धा का साथ भगवान का नाम करो तो क्या कुछ नहीं मिल सकता बताओ। अजामिल ओपी अगाध्यामम, अजामिल भी धाम में चला गया, अच्छा कैसे गया, बोले हाँ जा सकता, भक्ति है ना, भक्ति कब कब कैसे जाएगी कहाँ वो किसी का जवाब नहीं है किसी का पास, इसी का चर्चा किया बहुत समयों से। भक्ति देवी स्वतंत्र ये बंगला कथा में चर्चा की। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं इस सिलसिले में ये ध्यान देना जरूरी है कि अजामिल अपना जिंदगी में पहला जो जिंदगी में पहला जिंदगी में पहला मतलब ओ ये बेशाक संग करने का पहले अर्थात गिर जाने का पहले, ये अजामिल पहला जीवन में गृहस्थी थे और उस शास्त्रोज्ञान काफी शास्त्रोज्ञान है, सदाचार भी पालन करते थे, स्वधर्म निष्ठा जिसको पालन करना के आदेश है, स्वधर्म निष्ठा भी थे इसका अंदर में, लेकिन ये सब रहने का बावजूद ध्यान दे इस बात पर, शास्त्रों ज्ञान सदाचार स्वधर्म निष्ठा गुरुजनों का प्रति श्रद्धा नाम जप है नाम जपना और फिर क्या कहे वही न सालगाम का सेवा करना सब, लेकिन इसका सदाचार धर्मनिष्ठा ये सब जो चीजें हैं ये इसको गिरने से रोक नहीं पाए, ये जो पहले शास्त्रोज्ञान है सदाचार है स्वधर्म निष्ठा है सब कुछ है गुरुजनों के प्रति श्रद्धा है, लेकिन इन सब चीजें स्वाभाविक रूप में उसका अंदर में थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना जीवन को बचा नहीं पाए, वो गिर गया था। ये सब होने का बावजूद शास्त्रोज्ञान आदि
उत्तर जी हैं दासी संसर्गो अर्थात जो वेश्या का संसर्गो और पतन का जो रास्ते हैं ये रास्ते से उसको बचा नहीं पाए। आई बात समझ में, इसको बचा नहीं पाए संभव। क्यों, क्यों का उत्तर क्या है? देखो ये जो जितना इसका अंदर में मोरालिटी है, जितना सधर्म पालन किया है, जितना गुरुजनों का सेवा किया है, ऑल दैट टुगेदर अगर इकट्ठा रखा जाए फिर भी इतना ताकत नहीं है जो इसको गिरने से बचाए। मैंने इसका अंदर में जो किया है कुछ भी, इसके द्वारा इसका अंदर में जितना मोरल स्ट्रेंथ, वाट एवर मोरल स्ट्रेंथ, वाट एवर रियलिटी आई मीन रियलाइजेशन, सत असत विचार जितना भी है तो जरूर, लेकिन वो काफी नहीं था। देर वॉज नॉट सफिशियंट टू सेव हिम फ्रॉम फॉल डाउन, मरने से बचाने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन हैरान की बात है, यही अजामिल ने जिंदगी में, जिंदगी का आखिरी पराब में, अंतकाल में केवल भगवान नाम का आभास से सर्व पाप से मुक्त होके वैकुंठ का, वो भी जब भी इसका मंदिर में व्याख्या है, व्याख्या हम करते रहेंगे, लेकिन यह है तो पक्का है, ये हरिनाम का आभास नामाभास से सब हो गया। अजामिल का अंदर में जितना सारे पावर है, हमको जानकारी नहीं कि अजामिल दीक्षा, अजामिल का दीक्षा पिक्का का बारे में हमको पता नहीं है कुछ। तब ये ब्राह्मण था तो जरूर गायत्री दीक्षा हुआ होगा, लेकिन बाकी गुरु गुरु है कि नहीं है इसका बारे में कोई पता नहीं है, कोई लिखा नहीं है। तो जरूर अजामिल ने कोई नाम का सहारा नहीं लिया होगा, वो गायत्री किया होगा जो ऑर्डिनरी आदमी करता है, ब्राह्मण लोग कैसे करता होगा। जब भी गायत्री मंत्र सही ढंग से करो, गायत्री मंत्र भी बंधन से छुटकारा दिला है। तो ये लिखा नहीं है, ऐसा कोई लिखा है अजामिल का सदाचार था, सदाचार और शास्त्र ज्ञान भी थोड़ा है, लेकिन ये रुक नहीं पाए क्योंकि इसका अंदर में जितना मोरल स्ट्रेंथ है, जितना ऑनेस्टी है, ये जो पाप है, ये पाप करने से इसको रोका नहीं, मैंने रोका नहीं गया, इसलिए गिर गया। लेकिन भगवान का नाम का आभास होने से ही ये अजामिल उसका उद्धार हो गया। केवल मात्र अंतकाल में भगवान नामाभास के द्वारा सर्व पाप मुक्त होकर वो वैकुंठ जगत में गया है। तादृशो सधर्म निष्ठा ज्ञानेन च स तथा पतनान 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 अक्षी रक्षी रक्षितुम शक्व मतलब ये है, लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती बात, ये तादृशो स्वधर्म निष्ठा ज्ञानेन च स तथा पतनान रक्षितुम माने रक्षा करने के असमर्थ हुआ, पतनात् पतनात् रक्षितुम पतनात् रक्षितुम शक्नाभूत अर्थात रक्षा करने में असमर्थ भई, रक्षा करना नहीं सके, किंतु नामनो आभासे ओपी तादृशः अधपाताद ओपी रक्षित्वा वैकुंठं प्रशापयमास इति विश्वनाथ चक्रवर्ती। इसको वैकुंठ जाने के लिए भी रास्ता खोल दिया गया नामाभास के द्वारा। नामाभास का इतना प्रभाव है, देखो नामाभास के द्वारा वैकुंठ जाने का ही व्यवस्था हो गया। जब ही शास्त्र में लिखा हुआ है, प्रशंसा है अजामिल ओपी अगाधामम, ये अजामिल का महिमा है कि नामाभास का महिमा है भगवान का नाम का।
भगवान का नाम है ना, भगवान का नाम का महिमा। लेकिन इसमें बहुत सारे विचार है, क्या अजामिल का जाने का समय में जो नाम किया वही क्या नाम, वही क्या अजामिल को सारे पाप से रिहा दिलाया? और क्या अजामिल अपना जिंदगी में कभी नारायण नहीं बोला? वहां लिखा हुआ है कि नारायण नाम का पुत्र था, उसका लड़का का नाम नारायण है, तो नारायण अगर नाम है बच्चा का तो जरूर पहले भी ना, पहले भी वो किया होगा, नहीं किया होगा, पहले भी किया होगा, पहले भी नाम किया, ए नारायण इधर आ बैठ, चल मेरा साथ, चल खा, अभी खेलने मत जा, खा ले मेरा साथ, बहुत बार किया है अजामिल का नाम। तो टीकाकारों का क्या विचार है, नाम महिमा का कितना महिमा है, इस बारे में हम लोग काल चर्चा करेंगे। और आज थोड़ा ये जो काल बताया था, कोटि अश्वमेध समूह एक कृष्ण नाम चैतन्य चरितामृत में है। चैतन्य चरितामृत में है कोटि अश्वमेध समूह एक कृष्ण नाम। कोई अगर ऐसा विचार बताए करोड़ों अश्वमेध नाम का बराबर है ये कृष्ण नाम, ये सबसे बड़ा पाखंडी है, ये सबसे बड़ा पाखंडी है, ध्यान दे, पाखंडी है। और जमराज इसको पनिशमेंट देगा ही देगा। तो देखो हरिनाम का क्या महिमा है, हरिनाम का क्या महिमा है। अजामिल का खैर छोड़ो कोई बात नहीं, पहले ऐसा होता ही है, जब तक साधु संतों का बल हमारा दिन जिंदगी में ना आ जाए तब तक तो वीक दुर्बल जीव है, माया से बचना बहुत मुश्किल होता है ना। इसीलिए शास्त्र में बार बार कहावत है, गुरु की पाही केवलम, गुरु की पाही केवलम, गुरोर गुरोर अनुग्रह नैव अपमान प्रशान्तये, गुरु श्रुति ही सर्व विपोद विमोक्षनम। देखो कितना बात है, गुरु की पाही केवलम, फिर गुरुर अनुग्रहण नहीं, गुरुर अनुग्रहण नहीं अपमान प्रशांत है, कितना सारे श्लोक है, गुरु श्रुति सर्व विपोद विमोक्षनम, गुरु श्रुति है फिर भी मुसीबत है वो ही नहीं सकता, मुसीबत से निकल जाएगा। गुरु श्रुति ही हरि श्रुति ही सर्व विपोद विमोक्षनम, जैसे अजामिल का बात सुने आप, काल विचार बताएंगे क्या रहस्य है इसमें, महा महामंत्र महानाम का क्या महिमा है, अपार महिमा है। अब देखो हमारा सनातन गोस्वामी पाद का जिंदगी में ऐसा मुसीबत आया था, क्या मेरे हुसैन शाह ने बोला मेरा साथ युद्ध करने चलो, तो सनातन गोसाई बोला हम कैसे जाए, आप जाके हिंदुओं का मंदिर फंदिर तोड़ फोड़ करोगे ना, हमारा क्षमता नहीं है, बोल के घर में बैठा हुआ है, हमसे होगा नहीं, आप किसी से करवा लो, तो आप मेरा मिनिस्टर हो तो आपको नहीं, हमसे काम नहीं होगा, आप किसी से करवा लो, क्योंकि ये जो नौकरी है, ये जो हुसैन शाह का नौकरी है, ये सनातन गोस्वामी ने जोर जबरदस्ती नहीं किया, अपने तरफ से नहीं किया, राजा ने खुद उसको बुला के नौकरी दिया था। आप इतिहास जानते नहीं हो, आप जानते नहीं हो, सनातन गोसाई और रूप गोसाई को ये जो नौकरी मिला था ये अपना इच्छा से नहीं, जोर जबरदस्ती लेके गया, आपको नौकरी करना पड़ेगा, तो क्या नौकरी कर, ठीक है आप मिनिस्टर बन जाओ, एक को फिनांस मिनिस्टर बना दिया, एक तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो तनख्वाह मिलते रहे, लेकिन बिल्कुल हृदय में इच्छा नहीं कि मुस्लिम राज का साथ रहे, लेकिन करे कहां, कुछ बोले हम करेंगे नहीं तो काट देगा, बाद में क्या हुआ, वो हमसे होगा नहीं, हमारा तबीयत खराब है, बोल के घर में बैठ गया। विशेष करके महाप्रभु के जब कृपा आया तो पावर आ गया हृदय में,
तो उन्होंने राजा का आदेश का परवाह नहीं की। राजा ने बोला, राजा ने किसी वैद्य ने वैद्य को बोला, जाओ देख के आओ तो इसका क्या मुसीबतें हैं तबीयत। वैद्य आगे बोला, महाराज कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं। अच्छा, वो बैठा हुआ है भागवत सुन रहा है। अच्छा, सारे साधु गुरु वैष्णव चारों ओर है। अच्छा, हम चलेंगे, चलो तुम। आ जाके एकदम गुस्सा में आके गुस्से में आ गया है, ए क्या कर रहे हो आप? हम उठ के सम्मान दिया, चलो हमारे साथ युद्ध में जाना पड़ेगा, मतलब युद्ध हम जा नहीं सके। हाँ, हमारा संभव नहीं, किसी से करवा लो। तो सनातन गोसाई को जेल में डाल दिया। सनातन गोसाई ने बुद्धि विचार किया, क्या करे, कब आएगा नहीं आए, हमको तो प्रभु का चरण में जाना है, और जाना है तो प्रभु जी कृपा करा देगा जरूर, कृपा का व्यवस्था। सनातन गोसाई ने जेल का रक्षक को बताया, हमने तुमको 2000 स्वर्ण मुद्रा दे देंगे, हमको छोड़ो। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, 4000 दे देंगे, 5000 दे देंगे, चलो कोई स्वर्ण मुद्रा देखो, छोड़ तो सकता है लेकिन राजा आके पिटाई करेगा, मार डालेगा। अरे राजा थोड़ी जानेगा। अच्छा चलो 7000 दे देंगे सर। तो इसका जो मोरल स्ट्रेंथ है ना, कितना तक? 7000 स्वर्ण मुद्रा तक। 7000 पार कर लिया तो इसका भी मोरल स्ट्रेंथ टूट गया। ऐसा ही अजामिल का है, जितना सारे धर्म कर्म करके संग्रह किया तो इसके द्वारा जो स्ट्रेंथ है, मोरल स्ट्रेंथ और धर्म अधर्म का विचार है, दैट वॉज अप टू दैट पॉइंट। जब वो क्रश कर लिया, वेश्या का संगों का जो लोभ है, बस वो उसे वो पानी में बह गया। गुरु बल नहीं था, जैसा हम कीर्तन में कहते हैं, कृपा करो प्रभु दिया चित बल, जो हमने व्याख्या किया पहले भी बहुत बार, नायम नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, ना अयम आत्मा बलहीन न लभ्य, बलहीन व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, मतलब जिसका अंदर में कोई चिद बल नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, वो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। कृपा करो प्रभु दिया चिद बल, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, इसका माने एक्स मिशन वाई मिशन। ये छागल लोग हमको बता, हमारा सामने अगर कहे तो हम तो कपड़ा खोल देते हैं, बोले तो पागल हो, बोले यही तो लिखा है, ये तो लिखा है नायम आत्मा बलहीन बलहीन व्यक्ति, तो हम लोग मछली मांस खाते रहते हैं बल, तो आप लोग कैसे करोगे? हम छागल कहेगा, ये विचार नहीं है तो कौन सी विचार है। ऐसा ही बुद्धि खराब है, एलो का बुद्धि खराब है गया। तो गुरुबल जो है, चिदबल जो है, बलदाव जी महाराज जो देते रहे, चिदबल मिलने का बाद अप्रागित जगत का सारे ताकत आता है धीरे धीरे। अप्रागित जगत का भजन का जो पावर है, गुरु की पाही केवलम, बाकी नहीं है। तो सनातन गोस्वामी जी ने जैसे जेल रक्षक को धीरे धीरे लोभ दिखाया 2000 स्वर्ण, अरे थोड़ी ऐसे होता है, है? ये तो बाद में उसको बढ़ाया 5000, अरे देखो छोड़ सकते लेकिन कर नहीं सकता, राजा का डर है। बाद में 7000 तक उसका मोरल स्ट्रेंथ है, उसके बाद तो। दुनिया में जो सब व्यक्ति रिश्वत देता है ना, रिश्वत देने वाले, वो ऐसे ही चढ़ाता है, भाव चढ़ाता है। अच्छा हम इतना दे देंगे, अरे ऐसा नहीं कर सकता ना, ये गद्दारी है, ठीक है हम इतना दे देंगे, अब तो मन जा, हाँ मन गया। तो हमारा जो जीवन जिंदगी में है, हमारा जीवन जिंदगी में जो मोरल स्ट्रेंथ है, ये इट इज जस्ट लाइक दिस, ये जो उदाहरण हमने दिया है ऐसा ही है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए भजन करने के लिए आए हैं, फिर क्या हो गया, आए तो है भजन करने के लिए, आदमी आदमी लाभ पूजा प्रतिष्ठा सब देखते
सब गुरुजी क्या है, गुरुजी उम्र वाले है, क्या करेगा गुरुजी, बैठो हम लाभ पूजा प्रतिष्ठा लूटते रहे उतना ही है। इसका लोभ का सीमा, काम का सीमा पार कर दिया, सीमा रानी पाप कर दिया, सब पार करके बस हमको नरक में डुबा दिया, डुबा दी। ऐसा ही है, इतना तक ही है आज का चर्चा। आप थोड़ा चर्चा का विश्राम दे, क्षमा करे। आश्चर्यमेताद् हि मनुष्यलोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति नामानि नारायणो गोचराणि त्यक्तन्न वाचः कुहका पठन्ति वांछकल्पदुरोसे के पासिंद व्यवच प्रतिथानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः।